नमः शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि शनिवार रोहिणी नक्षत्र दिन में 11:30 बजे तक रहेगा। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान उत्साही धनी प्रतिभाशाली हर कार्य में निपुण और तर्कशास्त्री होते हैं। ऐसे जातक उन्नतिशील कुशल नेतृत्व करने की क्षमता वाले और अनुशासन प्रिय होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। सूर्य और बुध दोनों आपके एकादश भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं तो अपने ही प्रयासों और आत्मविश्वास पर संदेह की स्थिति संभावित है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। आपके कार्य ऊर्जा की दर प्रभावित रहेगी। हालांकि आय संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विरोधियों से परेशानी संभव है। आपकी शक्ति मानसिकता हर विषयों पर नकारात्मक भाव में महसूस होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल बिठाकर चलें और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। चंद्रमा आज भी वृष राशि में ही चल रहे हैं। आपकी सक्रियता और कार्यक्षमता व्यावसायिक उद्देश्य के प्रति ही केंद्रित रहेगी। थोड़ी बहुत रुकावटों के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक विकास के लिए नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा यदि आपके दिमाग में है तो उसे लागू करें। सामाजिक सहयोग आपको मिलता जाएगा। संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी। मांगलिक कार्यक्रम के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। उचित चिकित्सकीय परामर्श समय समय पर आवश्यक है। मिथुन राशि से पांचवें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं जिससे कि आपके अंदर रचनात्मक प्रयास की प्रेरणा और दिशा निर्देश समय समय पर गुरु सदृश लोगों से और आदरणीय व्यक्तियों से मिलती रह रही है। आर्थिक विकास की योजनाओं में साझेदारी के उद्देश्य से किसी बड़े उपक्रम में निमंत्रित किए जाने का योग बनता है और आपको स्वीकार भी कर लेना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में समय उत्तम चल रहा है। गृहोपयोगी वस्तुओं में खर्च संभावित है। विरोधी पक्ष दबा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ध्यान देना होगा। कर्क राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। हड्डी और पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। कार्य की अधिकता के कारण अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता निश्चित है। आर्थिक सहयोग बना हुआ है। नए उद्देश्यों के प्रति आपके प्रयास सार्थक होंगे। मित्रों और सहयोगियों के सलाह पर अमल करना उचित नहीं होगा। सावधानी अपेक्षित है। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति पर ध्यान देना उचित होगा। सिंह राशि वाले जातकों की दिन भर की व्यस्तता आज बनी रहेगी। संबंधियों व रिश्तेदारों के साथ समय व्यतीत होगा। व्यावसायिक उन्नति के लिए रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। भूमि वाहन मकान इत्यादि में निवेश के लिए समय अनुकूल है मगर हर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। आपकी कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपके मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा और नवीन रिश्तों की शुरुआत होगी। कन्या राशि वाले जातकों को अपने मित्र वर्ग और जान पहचान वाले लोगों से सावधानी अपेक्षित है। आपके विश्वास का दुरुपयोग हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। अपनी योजनाओं के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बेहतर यही होगा कि आप ईर्ष्यालु कर्मचारियों से दूरी बनाकर रखें। अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीमा रेखा थोड़ी और बढ़ाएं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। वित्तीय निवेश का योग बना हुआ है।
शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना ज़्यादा पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी आवश्यक है। खान पान पर ध्यान दें। तुला राशि वाले जातक आज विषम परिस्थितियों में भी अपनी समस्याओं का समाधान तेजी से करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक उतार चढ़ाव संभावित है। संबंधित मतभेदों में शांत रहने की आवश्यकता होगी। आपकी कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा का सहयोग मिलता रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पर विराजमान है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में सुकून मिलेगा। किसी आवश्यक काम से यात्रा का योग बन सकता है। भावनात्मक संबंधों में बदलाव महसूस होगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि वाले जातक कई समस्याओं का समाधान अलग तरीके से करने में सफल होंगे। नई ऊर्जा और नई कार्यप्रणाली के साथ आपकी पहल लाभ दिलाएगी। आपकी स्पष्ट बातचीत और सीधी सोच कई योजनाओं को व्यवस्थित करेगी। बदलती स्थितियों को काबू में करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति सामान्य रहेगी। वैवाहिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और खान पान में संयम रखना आवश्यक होगा। धनु राशि वाले जातक नई कार्य योजनाओं पर अभी लगाम दें। महत्वपूर्ण कदम सोच समझकर उठाने की आवश्यकता है। शनि आपकी राशि का केतु के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं, इसलिए हर काम में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। व्यावसायिक योजनाओं की साझेदारी में सफल रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा। संतान संबंधी व्यग्रता लगी रहेगी। लंबे समय से किसी विषय पर अटके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मकर राशि के जातकों को समय समय पर विश्राम आवश्यक होगा। आपकी कार्य ऊर्जा की गति लगातार बढ़ने की वजह से शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होगी। शरीर का अत्यधिक दोहन उचित नहीं होगा क्योंकि आपकी राशि पर केतु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा स्वयं अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। लगातार मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। नई कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय चल रहा है। विरोधियों से भी धन लाभ संभव है। सपरिवार किसी समारोह में सम्मिलित किए जाएंगे। पारिवारिक और संतान संबंधी मामलों में संतुष्टि बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्राकृतिक ईश्वरीय प्रेरणा कार्य ऊर्जा के रूप में व्यावसायिक संसाधनों को बलवती बनाएगी। व्यावसायिक पक्ष की मजबूती से आपका आत्मविश्वास और बढ़ता जाएगा। उचित निर्णय लेने की क्षमता में और विकास होगा। आर्थिक पक्ष सहयोगी है। संतान संबंधी कार्यों में अनुकूलता मिलेगी। नए निवेश की आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेगा। अपनी योजनाओं की जानकारी संबंधियों को भी ना होने दें। न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित अनुकूलता बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। मीन राशि के जातकों को दृढ़ निश्चय के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाने में उतार चढ़ाव बना रहेगा। व्यावसायिक योजनाएं रुक रुक कर फलीभूत होंगी। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। आपके कार्य क्षमता का मन मुताबिक फल नहीं मिल पाएगा। आपके प्रयासों में संघर्ष की स्थिति संभावित है। नई कार्य योजनाओं की लिस्ट बनाने से अच्छा है कि पहले की रुकी हुई योजनाओं को फलीभूत करें। एक एक काम को क्रम से निपटाते जाएं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए दिन सामान्य रहेगा और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।